चले आज हम बना रहे हैं अपने टर्बो सी का पहला प्रोग्राम। तो सबसे पहले हम यहाँ पर टर्बो सी का कंपाइलर खोलेंगे। और फाइल में जाके जो पहले से फाइल्स खुली हुई उनको विंडोज में जाके क्लोज कर देंगे। फिर अल्ट एफ करके फाइल के मैनू में जाएंगे, यहाँ से न्यू करेंगे, एक न्यू फाइल खुलेगी। इसमें कुछ पहले से लिखा है तो अल्ट डब्ल्यू करके विंडोज के मैनू में जाके इसको भी क्लोज कर देंगे। फिर एक न्यू फाइल लेंगे अल्ट एफ करके, इसको सेव करेंगे, फाइल में जाके सेव पे क्लिक करेंगे। जैसे मैंने बताया था कि पहले राइट बटन दबाएंगे, जो नाम इसने रखा है नो नेम उसको मिटा देंगे और अपनी तरफ से कोई भी एक नाम रख लेते हैं। जैसे SS02 तो बन गई, वन थी, टू बना लेते हैं, SS02 Sunshine02 ओके कर देते हैं। ये कह रहा है पहले से फाइल मौजूद है ये, तो मैं स्कैप करूँगा कैंसिल करने के लिए, दोबारा सेव करूँगा, SS03 कर देते हैं, SS03 ठीक है। ये हमारी फाइल का नाम हो गया, ये फाइल क्रिएट हो गई, सेव हो गई। अब हमने इसके अंदर बुनियादी कोड सप्लाई करना है। मैंने पहले ही बताया कि टर्बो सी के अंदर जो भी कोड लिखा जाएगा वो स्मॉल लेटर में होगा, लेकिन वो कोड होगा जो इसकी कमांड्स है। इंक्लूड कौन आयो, दो करली ब्रैकेट्स, इन करली ब्रैकेट के अंदर ये पहला फंक्शन हम लिख रहे हैं CLRACR, जो ऑल टाइम जब भी हमारा प्रोग्राम चलेगा तो हमारे प्रोग्राम की स्क्रीन को क्या करेगा, क्लियर। और दूसरा प्रोग्राम है गेट CH फंक्शन, ये क्या करेगा, ये प्रोग्राम को उस वक्त तक दोबारा एग्जिट नहीं होने देगा जब तक के कोई कीबोर्ड से बटन नहीं दबाए। और तीसरा रिटर्न जीरो, ये फंक्शन क्या करेगा, मेन फंक्शन को डबल चेक देगा कि हाँ प्रोग्राम सही तरह रन हो गया है। ये कोड करने के बाद आप प्रोग्राम को कंपाइल करेंगे कैसे, ऑल्टर सी दबाएंगे, कंपाइल। मैंने बताया था कंपाइलर एक सॉफ्टवेयर होता है जिसके अंदर टर्बो सी का सारा कोड है। जो कोड हम सप्लाई करते हैं कंपाइलर उसको रीड करता है, समझता है, अगर वो कोड सही होता है तो माइक्रो प्रोसेसर को दे देता है, और हमने सही लिखा होता है तो हमें कहता है सक्सेस, मतलब आप चला सकते हैं। अब इस प्रोग्राम को जो आपने बनाया है, मैंने अभी बताया कि प्रोग्राम नया है और ये ऑलवेज स्क्रीन को क्लियर करेगा, क्लियर करेगा तो ये क्लीन स्क्रीन होगी। तो अब प्रोग्राम को चलाएंगे कैसे, ये रन में गए, ये हमारा प्रोग्राम रन हो रहा है। अभी उसी एग्जाम्पल को ले लो, मैंने आपको एक एक ब्लैंक पेज दे दिया है, आप कहूँगा ऐसे लिखो तो ये तुम्हारे प्रोग्राम की ब्लैंक स्क्रीन है। नया प्रोग्राम है ना, बिल्कुल स्क्रेच से शुरू हुआ है, तो ये बिल्कुल क्या है, ब्लैंक, सही है। अब आपने इसके ऊपर कुछ डेटा डिस्प्ले कराना है। जैसे स्क्रीन को क्लियर करने के लिए एक फंक्शन है, प्रोग्राम को रोकने के लिए एक फंक्शन है, ठीक है। अब इनके बीच में हम अपना वो फंक्शन लिखेंगे जो हमें इस बात की फैसिलिटी देगा कि हम जो चाहे स्क्रीन पर डिस्प्ले करा सकते हैं, ठीक है। उस फंक्शन का नाम है प्रिंट एफ, क्या नाम है, स्मॉल लेटर्स में लिखेंगे प्रिंट एफ, ये फंक्शन का नाम है। ये फंक्शन के दो ब्रैकेट्स आ गए, ये उसके अंदर के डबल कोट्स आ गए, ये सेमीकोलन आ गया, ये इस फंक्शन को लिखने की ग्रामर है। डबल कोट शिफ्ट के साथ जो सिंगल कोट वाला बटन है वो दबाएंगे तो फिर ये डबल कोट्स आएंगे रेड कलर के। हाँ, अब यहां पर भी अभी भी कुछ इस प्रोग्राम को जब हम कंपाइल करके रन करके देखेंगे कुछ नहीं आएगा, क्योंकि अभी तक हमने कुछ सप्लाई नहीं किया है। देखिए यहां तक का जो मैंने कोड किया है ना, ये दोनों लाइनें भी कमांड का हिस्सा है, ये भी कमांड का हिस्सा है, ये भी कमांड का हिस्सा है, ये भी कमांड है, ये भी कमांड है, ये सारा कोड मैंने स्मॉल लेटर्स में लिखा है। अब जो इन दोनों डबल कोट्स के बीच में हम लिखेंगे वो हमारे प्रोग्राम की स्क्रीन की रौनक बनेगा, जो भी लिखेंगे। हाँ, जैसे हमने लिखा वेलकम टू टर्बो सी। अब हर दफा जब भी प्रोग्राम में चेंज करेंगे तो कंपाइलर को हम कहेंगे चेक करो मेरा कोड, कंपाइलर कहेगा ओके है, सक्सेस है, तो आप कहेंगे ठीक है प्रोग्राम को रन करो। ये आपने अपने प्रोग्राम पे दिखाया, यानी कि यूजर जब इसको चलाएगा तो उसको लिखा हुआ नजर आएगा वेलकम टू टर्बो सी, और जैसे ही कोई वो बटन दबाएगा तो ये दोबारा उसकी तरफ प्रोग्राम बंद हो जाएगा। आप चूंकि IDE में काम कर रहे हैं तो आपका प्रोग्राम बंद हो जाएगा और आपको सोर्स फाइल में ले आएगा। ये आपकी टर्बो सी की है सोर्स फाइल SS03.cpp, ये फाइल आप अपने पास रखेंगे, फिर जब आप पूरा प्रोग्राम बना चुकेंगे तो यूजर से को दूसरी फाइल देंगे, उसका नाम भी SS03 होगा लेकिन उसकी टाइप होगी .exe, cpp आप रखेंगे और exe फाइल आप बना के उसको दे देंगे, वो उसको चलाएगा, प्रोग्राम चलेगा, रन करेगा, बंद करेगा, बंद हो जाएगा बस।
उसको कोड नहीं पता चलेगा, कोड आपके पास है, कोड आपके पास होगा, जब चाहे चेंज करके नया वर्जन बना के फेंक दे। हाँ अपडेट के लिए दूसरी स्ट्रैटेजी है। अपडेट के लिए फिर आपको प्रोग्राम ऐसे लिखना पड़ेगा कि आपका कोड इंटरनेट पे किसी सर्वर पे होना चाहिए, जैसे ही वो सॉफ्टवेयर चलाए और इंटरनेट कनेक्ट करे तो वो सॉफ्टवेयर उसके जो मोबाइल में चल रहा है वो अपने सर्वर पे आके अपनी फाइल्स को अपडेट कर ले, फिर प्रोग्राम इस तरह लिखना पड़ेगा। अभी तो खैर वो आगे की चीज़ है, अभी तो सही चल रहा है। ठीक है, तो आपने एक लाइन को प्रिंट करा दिया। अब अगर आप इसके आगे कुछ और लिखना चाहते हैं तो आप एक दफ़ा और ये फंक्शन लिख सकते हैं, सपोज हेलो, हाँ हेलो वी आर लर्निंग टर्बो सी, तो उसके आगे आ गया। आगे क्यों? क्योंकि प्रोग्राम को हर चीज सप्लाई करनी पड़ेगी, ये इतना मासूम है कि इसको समझ में जब तक आप बताओगे नहीं ये काम करेगा नहीं। आपने कहा था कि ये लाइन प्रिंट कर दो, इसने लाइन प्रिंट कर दी। न्यू लाइन के लिए आप जिस लाइन को अगली लाइन पे प्रिंट करना चाहते हैं उसकी कमांड है forward slash n डबल कोट्स के अंदर आपने लगाना है। अब जैसे ही आप एक दफा फॉरवर्ड स्लैश एन लगाएंगे और प्रोग्राम को रन करेंगे तो अगली लाइन पर आ जाएगा, और अगर आप दो दफा लगा देंगे फॉरवर्ड स्लैश एन तो ये दो दफा अगली लाइन पर आ जाएगा। हाँ, इस काम को आप ऐसे भी रख सकते हैं, जैसे आप अपना एक छोटा सा प्रोफाइल बना रहे हैं तो यहाँ लिखा आपने फॉरवर्ड स्लैश एन और इस तरह से ब्रैकेट बंद कर दिया, फिर से दोबारा से ले लिया आपने इसको, आपने यहाँ पे लिखा फुल नेम कॉलन मोहम्मद अली, ठीक है, इस तरह से आपने लिख दिया तो ये आपके सामने लिखा गया फुल नेम मोहम्मद। कौन सा फॉरवर्ड स्लैश? मैंने ही बताया कि अगर आप फॉरवर्ड स्लैश एंड डायरेक्टली लगा रहे हैं तो ऐसे भी लगा सकते हैं, तो ये न्यू लाइन परफॉर्म करके फिर अगली लाइन पे चला जाएगा, थोड़ा सा अगर आपको कंफ्यूजन होती ना सीन में। अब जैसे हमने यहाँ पर दो कॉलन लगाए तो दो कॉलन के दरमियान में एक स्पेस आ रहा है, अगर मैं टैब देना चाहूँ तो मुझे 5 स्पेस देने पड़ेंगे, बजाय इसके टैब देना चाहता हूँ तो मैं यहाँ पे एक फॉरवर्ड स्लैश टी लगा देता हूँ तो 5 से 10 स्पेस का एक टैब आ जाएगा। ठीक है, समझ में आ रही है? अब इस तरह आप अगली लाइन पे कुछ और लिखना चाहते हैं। अच्छा, आप प्रोग्राम प्रोसेस को फास्ट भी कर सकते हैं, सिलेक्ट कर ले इस लाइन को शिफ्ट के साथ, ऐसे करके मैंने इस लाइन को सिलेक्ट कर लिया, कंट्रोल सी से कॉपी नहीं होगा, इसकी शॉर्ट की अलग है, ऑल्टर ई में गए कॉपी की शॉर्ट की पढ़ ले क्या है, कंट्रोल आई एन एस का बटन है इसका, इंसर्ट की, ठीक है, तो ये कॉपी किया मैंने, फिर एंड लाइन पर आया क्लिक किया और नीचे रख के एडिट में जाके इसको क्या कर दिया पेस्ट कर दिया। तो ऐसे भी कर सकते हैं, ये तो आपने सीखा हुई है, तो यहाँ पे आपने लिख दिया सपोज सुमी, ठीक है, और यहाँ फॉरवर्ड स्लैश टी के साथ कर दिया, ठीक है, यहाँ पर आपने न्यू लाइन नहीं लगाया इसलिए ये उसी के साथ आ गया। तो आपके पास न्यू लाइन लगाने के दोनों ऑप्शन हैं, मैंने दोनों बताए आपको, वो एक यहाँ पे फॉरवर्ड स्लैश एन लगा दें या फिर इससे पहले अलग से फॉरवर्ड स्लैश एन लगा दें तो भी काम आपका हो जाएगा। कभी ऐसा हो जाए तो आप जब अल्टर टैप करके दोबारा इस पर आएंगे छोटी स्क्रीन पर आएगा नजर, तो बड़ा करने के लिए अल्टर टैप इंटर दबाना है, अल्टर इंटर अल्टर टैप से छोटा हो जाएगा, दूसरे प्रोग्राम पे चला जाएगा, फिर दबा दिया अल्टर इंटर, नहीं नहीं अल्टर इंटर, तो ये देखे सेट हो गया दोबारा कंपाइल और ये रन कर दिया हमने, सही है, समझ में आ रही बात है। तो इस तरह आप जो चाहें अपने प्रोग्राम में आउटपुट करा सकते हैं प्रिंट एफ फंक्शन के जरिए। एक आखिरी चीज़ उसके बाद हम इसको क्लास को ख़त्म करते हैं, देखें ये जो आप लिख रहे हैं प्रिंट एफ सी एल आर एस सी आर मेन, ये सब हैं फंक्शंस, क्या हैं फंक्शंस, और इन फंक्शंस के काम हैं जो आप इनसे ले रहे हैं, और प्रिंट एफ के डबल कोट्स में आपने जो ये लिखे हैं ना ये फंक्शन नहीं है, ये वो है जिसको फंक्शन परफॉर्म कर रहा है, पर इनको हम कहते हैं कॉन्स्टेंट, ये क्या है, ये कॉन्स्टेंट डेटा है, कौन सा डेटा है, हाँ अगर ये कैरेक्टर्स हैं तो इनको हम कहते हैं स्ट्रिंग कॉन्स्टेंट, स्ट्रिंग कॉन्स्टेंट, ठीक है,
और अगर ये नंबर लिखते इसके अंदर तो वो कहलाते नंबर कॉन्स्टेंट। हाँ नंबर लिख दे, जैसे अभी अगली लाइन लिख देते हैं उसके अंदर। और जो भी चेंजेस करते जाएं तो फाइल में जाके उसको बार बार सेव भी करते जाएं या शॉर्ट की F2 दबाते जाएं। यस नो आ जाए तो Y फॉर यस है, N फॉर एन है, नो है तो यस कर देते हैं, सेव कर देते हैं फाइल को। क्लोज करना है फाइल को तो क्लोज कर देंगे, दोबारा खोलना है फाइल ओपन, नीचे आने के लिए टैब का बटन दबाएंगे और यहाँ पे आके अपनी फाइल को सर्च करेंगे SS02 SS3। ये हमारी फाइल यहाँ पे खुल जाएगी।